इस कोर्स में मैंने क्या किया है ये मैं बता नहीं सकता, शायद मैं इस चीज़ को बता नहीं पाऊंगा, मैं अपने आप को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा और उस बात की गारंटी लेना चाहूँगा कि अगर आप इस कोर्स को एक बार देख लें, एक बार कर लें, तो आपको जीवन में पहली बार UPSC की राइट डायरेक्शन की फीलिंग आएगी। आज तक आपने बहुत ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट किया होगा और कई बार आपका ट्रस्ट ब्रेक भी हुआ होगा, पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझ पर एक बार ट्रस्ट करके देखें, इस कोर्स को एक बार करके देखें साहब, आपको लगेगा कि सच में आपने कोई गलती नहीं की, मैं आपका भरोसा विश्वास में कभी टूटने नहीं दूंगा। इस कोर्स में केवल इकोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं किया मैंने, इस कोर्स में इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन, कोरिलेशन की आर्ट सिखाई है, जिस आर्ट को डेवलप करने के बाद आप किसी भी चीज को खुद एनालाइज कर सकते हैं, आपके अंदर वो एनालिटिकल पावर डेवलप हो जाएगी, और एनालिटिकल पावर डेवलप होते ही आपकी पर्सनैलिटी में एक जो इन्हांसमेंट आएगा जो UPSC की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकेगा। इस कोर्स से मैं आपको कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता हूँ, इस कोर्स का मेन मोटिव है कि आपको मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। ये कोर्स करने के बाद आपके साथ जो भी हो रहा है, न्यूज़पेपर में जो कुछ भी चीज़ दिख रही है आपको, कोई भी करंट अफेयर हो, कैसा भी करंट अफेयर हो, आपको समझ जरूर आएगा, आप मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसी डायमेंशन ऐड होगी जो UPSC की डायमेंशन होगी। इस कोर्स में 65 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अप्रॉक्स 130 प्लस आवर्स का कंटेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, और क्वालिटी ऐसी है कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप मेरा YouTube चेक कर लीजिए, आप मेरी टीचिंग स्टाइल को चेक कर लीजिए, अगर आपको बेहतर लगे, टीचिंग स्टाइल से आपका सिंक्रोनाइजेशन मैच हो रहा है, तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस कोर्स को कतई नहीं छोड़ें, बिल्कुल मत छोड़ें। इस कोर्स में कंप्लीट कवरेज रहेगा सिलेबस का, GS3 का जितना भी सिलेबस लिखा है इंडियन इकोनॉमी का, उसका कंप्लीट कवरेज, हर एक पार्ट को मैंने दिखा दिखा कर कि यहाँ से ये लाइन है और ये हम पढ़ रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करके मैंने बताया है कि आपका एक भी चीज़ ना छूटे, जो भी सिलेबस में मेंशन है सब कुछ मैंने कराने की कोशिश की है। सिर्फ एक साल का करंट अफेयर नहीं साहब, कंटेम्पररी इशूज़ कवर करवाने की कोशिश की है, जो कि UPSC अब पूछने लगा है, UPSC की आदत है, उस पैटर्न को समझना पड़ेगा अगर आपको UPSC क्रैक करना है, कि वो कंटेम्पररी इशूज़ पर बहुत फोकस है, उसका फोकस करंट अफेयर पर कम, कंटेम्पररी इशूज़ पर ज़्यादा है, वो सारे कंटेम्पररी इशूज़ हमने कवर किए हैं। 1947 से इकॉनमी नहीं पढ़ाई मैंने, इकॉनमी जब से इकॉनमी का बर्थ हुआ है, इंडियन इकॉनमी वहाँ से मैंने आपको पढ़ाई है, लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 12 में मैंने सब कुछ इंटीग्रेट करके, कंसोलिडेट करके भी आपको दिया है। जनरली लोग पढ़ाते हैं, कंसोलिडेट नहीं करवाते हैं, पर यूनिट नंबर 12 में मैंने पूरी इंडियन इकॉनमी को फ्रॉम इट्स बर्थ टिल नाउ पूरा आपको कवर करा के, कंसोलिडेट करा के दिया है, ताकि आपकी हर एक चीज़ इंटीग्रेट हो जाए। मैंने वहाँ पर PYQ का एनालिसिस भी लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी करवाई है, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से किसी आंसर को लिखना है, वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, हैपजार्ड नहीं होना चाहिए सर, प्लान्ड होना चाहिए, वो प्लानिंग कैसे करना है, वो आर्ट मैंने सिखाने की कोशिश की है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का कवरेज रहेगा, इस साल का नहीं, अगले साल आने वाला जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है वो भी कवर करवाऊंगा मैं आपका। और प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड होगी, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का मतलब है, लोग कहते हैं कि इकॉनमी बड़ा टफ है, ना एज आई ऑलवेज सेड, इकॉनमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, इकॉनमी तो आपके अगल बगल है, टफ कैसे हो सकती है, टफ इसलिए लगती है कि साहब आपने उसको स्ट्रक्चर्ड वाइज नहीं पढ़ा, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, ये डिसाइड करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड एक प्रिपेयर करना पड़ता है। मैंने पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके फिर आपको इकॉनमी समझाने की कोशिश की है, एक के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक पहले वाले टॉपिक से कनेक्टेड होता है, किस तरह से आप कोरिलेशन डेवलप करेंगे, सिर्फ इकॉनमी में कोरिलेशन डेवलप करके नहीं सिखाया सर, मैं आपको ये आर्ट सिखाना चाहता हूँ, इकॉनमी केवल सब्जेक्ट एक डेमो के रूप में है आपके लिए, ताकि UPSC के अदर सब्जेक्ट को आप कैसे अप्रोच करेंगे ये आपको समझ में आएगा। तो इकॉनमी समझने के बाद आपको सबको समझ में आने लगेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ साहब, क्योंकि इकॉनमी कोर है हर चीज़ का, इकॉनमी इंपावरमेंट है, इकॉनमी ही तो चला रहे हैं हम, GDP को $5 trillion इकॉनमी करना चाहते थे, इकॉनमी पर ही तो फोकस है, गवर्नमेंट पॉलिटी का फोकस इकॉनमी पर है, पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकॉनमी साहब, पॉलिटी इकॉनमी को चला रही है, तो इकॉनमी अगर चला रही है तो इकॉनमी समझना जरूरी है। UPSC में जब आप IAS बनेंगे, आप पोस्ट पर बैठेंगे, तो आपका काम क्या होगा, इकॉनमी को रन करना साहब। इसलिए इस कोर्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी नहीं पढ़ाई है साहब, गलत मत लीजिएगा, इकॉनमी तो मैंने पूरी पढ़ाई है, पर इकॉनमी के साथ मैंने वो आर्ट डेवलप करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा, कि किस तरह से अप्रोच रखना है, कैसी पर्सनैलिटी रखना है, कि हर एक प्रॉब्लम को हम टैकल कर सके, ये सब कुछ मैंने इस कोर्स में करने की कोशिश की है।
तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस कोर्स में मैंने क्या किया है ये मैं आपको बता नहीं सकता, शायद मैं बता पूरी तरह से बयान नहीं कर पाऊंगा, मैंने कोशिश की है कुछ बताने की। ये कोर्स 7th ऑफ दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है, 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 दिसंबर 65 लेक्चर है, अगर हर दिन एक लेक्चर करेंगे तो अप्रॉक्स 7th फरवरी तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और 7 फरवरी यानी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट उसी समय पर आता है, हम उसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। ताज़ा आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, सब कुछ इंटीग्रेट होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, और हम बस उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बिल्डिंग बना लेंगे, आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे। इस कोर्स का प्राइस 12,999 है वैसे, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स को मैंने 5,000 रुपीज़ का बोनस दिया है। 7,999 में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। सर कहाँ से परचेज करना है? नई वेबसाइट आप लोग के लिए बनाई है मैंने, www.hopetushant.com। इस पर जाएंगे आप, कोर्सेस में क्लिक करेंगे, कोर्सेस में क्लिक करते ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ इकोनॉमी खुलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और इस कोर्स को अपना बना सकते हैं, और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार और अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ढेर सारा एनहांसमेंट कर सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी हालत में इस कोर्स को छोड़े नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, इसलिए कि आपकी लाइफ में एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज आने वाला होगा। आप समझ सकेंगे, मैं बहुत ढेर सारी फीडबैक्स की वीडियोस भी डालूंगा, आप बच्चों जो जिन्होंने लाइव कोर्स मेरे साथ किया है उनके फीडबैक भी आप देखिए। और ये लाइव कोर्स की रिकॉर्डिंग है तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप क्लास में बैठे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी आपको दिखते रहेंगे साइड बाई साइड। तो डेमो लेक्चर्स हैं वहाँ पर, वेबसाइट में ही डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप डेमो लेक्चर्स देखिए साहब, डेमो लेक्चर्स में आपको लगेगा कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं, वो फीलिंग आएगी आपको। साथ में आप अपने नोट्स साथ में बनाएंगे और खूबसूरत से नोट्स होंगे, क्रिस्प नोट्स होंगे, ना मैंने एक टॉपिक ज्यादा पढ़ाया है ना एक टॉपिक कम पढ़ाया है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ाया है साहब। आपको समझ आएगा कि ये सब करने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है, आपका माइंड सेट कैसे चेंज होने वाला है। डू ज्वाइन दिस कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, टेलीग्राम का भी है, कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।